टीआईटी मिशन सुनहरा कल के तहत शनिवार को नागदा स्थित रुद्राक्ष पैलेस होटल में कृषि स्थायित्व एवं विकास कार्यक्रम का सम्मेलन आयोजित किया गया। यह आयोजन राष्ट्रीय किसान दिवस को लेकर आयोजित किया गया है। गर्व करते थे लोग, अभी एक सरकार ने एक योजना बनाई है नाबार्ड की तरफ से और ये हैदराबाद मैनेज की तरफ से कि जो किसान के बच्चे 12वीं कृषि पास है या बीएससी है या कोई भी कोर्स कर रखा है उनके लिए 2 महीने के लिए बिजनेस करने का एक कोर्स डेवलप किया है और उस कोर्स का हमारे यहाँ पे संस्थान में रतलाम में मलिनी नदी है ये नामली के पास है। कभी आप उधर आए तो मुझे अच्छा लगेगा, आप आएंगे मैं आपके साथ में चाय पीऊंगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। कभी वैसे भी निकलते हुए जाएं तो आप जरूर आए वहां पे, मुझे लगेगा कोई किसान मिल रहा है तो आप जो है अपने बच्चों को फ्री का कोर्स है, कोई पैसा नहीं देना, उसमें लगभग 30 से 40 हजार का कोर्स है, केवल 500 रुपए का रजिस्ट्रेशन करना है, वो भी हम हैदराबाद को भेज देते हैं। रहना खाना पीना, पीना दारू पीना नहीं पीना मतलब चाय पीना कॉफी पीना, अनेकों के साथ कुछ लोग शौकीन होते हैं गांव में, आपने पीने की बात भी कही थी और मैं भी चौधरी साहब का भक्त हूँ तो अपनी बात का प्रयास, तो अपने बच्चों को यदि एडमिशन आपको कराना हो तो आप वहां कराइए। दूसरा कि नौकरी में कोई इच्छुक है, नौकरी के लिए कोई इच्छुक है और वो बीए पास है, कोई भी स्नातक है, ग्रेजुएट है, तो उसके लिए जो है 2 साल का कोर्स, उस कोर्स को फ्री नहीं है, लेकिन वो फ्री नहीं है क्योंकि उसमें फीस आती है, लेकिन वो कोर्स जो है जबलपुर में और केवल हमारे संस्थान में चलता है, उसमें आपका जो 4.5-6 लाख रुपए फीस है और हमारे यहाँ केवल क्योंकि ये क्रमको कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड का संस्थान है वहां पे 2,05,000 फीस है। आप लोग यदि पैसे ना भी दे पाए तो बैंक से लोन भी हो जाएगा, ये भी सरकार की योजना है कि उच्च शिक्षा के लिए यदि कोई लोन लेना चाहे तो उसको सरकार अपनी तरफ से बैंक लोन देता है और उसमें फैसिलिटी। अरविंद केजरीवाल का नाम सुना है? अरविंद केजरीवाल ने 10 लाख रुपए तक का लोन कर दिया है, तो बीजेपी वालों ने फिर मोदी जी को भी बोला कि साहब इसने कल परसों कर जाएंगे मोदी साहब, मैं तो बढ़िया आदमी, तो उन्होंने 20 लाख रुपए तक का कर दिया है, तो 20 लाख रुपए तक का लोन भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको केवल 2 लाख रुपए लोन देना है। हमारे यहाँ पे एक सब्जी बेचने वाली लड़की, सब्जी बेचने उसकी माँ सब्जी बेचती थी, अपना बच्चा। आपका नाम? मेरा नाम शिविन शाक्या है, मैं एक्सिस डेवलपमेंट सर्विसेज एनजीओ से अपना काम कार्यरत हूँ। कैन यू वेट टू स्पीक टू मी? आज जो किसान सम्मेलन किया है आपने, उसका क्या उद्देश्य रहा और किन चीजों के लिए? आईटीसी मिशन सुनहरा कल के अंतर्गत हम यहाँ नागदा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आईटीसी मिशन सुनहरा कल के अंतर्गत हम नागदा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे हम मिट्टी और जल संवर्धन का कार्य करते हैं। अभी हमने आज का जो कार्यक्रम किसान सम्मेलन रखा था वो राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर रखा था, जिसमें हमने ऑर्गेनिक खेती और खेती में कैसे उन्नति कराई जा सकती है, ठीक है, और कैसे इनकम बढ़ाया जा सकता है इसके बारे में किसानों से चर्चा की। उसमें कार्यक्रम में हमारे केवीके वैज्ञानिक आए हुए थे, हमारे बाकी भी अतिथिगण आए हुए थे जिन्होंने किसानों को जानकारी। हर वर्ष होता है या पहली बार इस तरह के कार्यक्रम? कार्यक्रम तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं बट इस किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस का कार्यक्रम ये पहली बार है। तो तहसील स्तर में होगा या अदर जिलों में भी होगा इस तरह के कार्यक्रम? अभी तो फिलहाल ये हमारा प्रोजेक्ट एरिया के हिसाब से हमारा कार्यक्रम हुआ था और आगर के भी किसानों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, आगर में भी हम आईटीसी के माध्यम से कार्य कर रहे हैं तो वहाँ के भी किसान ने यहाँ मतलब पार्टिसिपेट किया। थैंक यू मैडम।